क्लास 12 का आपको लास्ट यूनिट है 4 विद्युतचुंबकीय प्रेरण तथा प्रेरित धारा। इस पार्ट में दो पार्ट का ये यूनिट है और इसमें चुंबकीय विद्युतचुंबकीय प्रेरण और एक है प्रेरित धारा। इसमें सबसे पहले हम विद्युतचुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स दे रहे हैं आपको, इसको ठीक से समझिए। चुंबकीय फ्लक्स वही है जो वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम क्या कहते थे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते थे। अब इसमें क्या है कि चुंबक है तो हम इसमें लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। लंबवत आपको कंडीशनल है, लिखना चाहिए। तो पूरी परिभाषा हो गई आपकी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई बी से दिखाते हैं। बी क्यों? मैग्नेटिक के लिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हम इसका सूत्र बनाएं तो फाई बी बराबर बी डेल्टा ए। वैद्युत फ्लक्स जब आप बनाते थे तो ई डेल्टा ए बनाते थे, फाई ई बराबर, ठीक है ना। और इसमें क्या बनाएंगे आप? बी। ये समझ में आ गया। अब इसको अगर हम तोड़ के, ये सदिश राशि में तोड़ के लिखें तो हम बी डेल्टा ए को बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और इस पृष्ठ के बीच का कोण। जैसे इसमें देखिए, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर जा रहा है और पृष्ठ भी आपका इधर जा रहा है, तो इसके बीच का कोण 0.1 है। क्लियर हो गया। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसी को कहते हैं बेबर। राशि कैसी है? अदिश। बीमा क्या होती है? ML2 T-2 A-1। याद रहेगा, राशि अदिश, बीमा ML2 T-2 और आपकी मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर और या बेबर। क्लियर हो गया। अब देखिए, थोड़ा कंडीशन हम आपको देते हैं। जैसे ये फोटो दिख रहा है आपको, इसमें जो ये पृष्ठ है उसका दिशा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र इधर लगा हुआ है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। देखिए, ये बी हो गया और इधर ए है, तो ये कितना कोण बनाया? 90 डिग्री का। तो अगर हम 90 डिग्री का सूत्र में यूज करते हैं तो फाई बी बराबर बी डेल्टा ए कॉस 90 लिखे हैं हमने यहाँ पे। तो 90 का थीटा मान 0 हो जाता है, तो ये पूरा का मान 0 होगा। यानी पृष्ठ के लंबवत यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को लगाएं तो उसका चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है, यानी मिनिमम होता है। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखिए ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है और ये दिशा पृष्ठ की है, तो इन दोनों के बीच का कोण है 0.1। अगर हम 0.1 लगाएंगे तो ये डेल्टा फाई बी बराबर बी डेल्टा ए अधिकतम हो जाएगी। इसको कहते हैं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। यानी पृष्ठ की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र अगर हम लगाते हैं तो उसका चुंबकीय फ्लक्स सबसे अधिक होता है। एक और चीज़ यानी बहुत ये पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है MKS में या SI में, वो है बेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है। CGS में इसी मात्रक को हम मैक्सवेल भी कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और चीज़ देखते हैं, 1820 ईस्वी में ऑरस्टेड ने बोला था कि जब चालक में धारा होती है तो वह चुंबक की तरह कार्य करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, चुंबक रहता है। तो 1820 में ऑरस्टेड ने ये मान लिया कि अगर चालक में धारा चलेगी तो चुंबक बनेगा, है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र का व्यवहार करेगा। उसी के आधार पर फैराडे ने 1931 में एक प्रयोग किया कि यदि धारा से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से भी धारा बन सकती है,
तो उन्होंने क्या किया कि एक कुंडली बनाई, चालक कुंडली, एक चुंबक लिया, उसमें एक एमीटर लगा दिया। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिन लगे इनको ये प्रयोग करने में, जब उन्होंने देखा कि तेज़ी से चुंबक कुंडली के पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं तो उसमें धारा प्रेरित हो जाती है ना। चूँकि ये इंस्पायर्ड है, ये चुंबक के कारण आती है, इसीलिए इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक के थ्रू विद्युत का उत्पादन, समझ लीजिए। तो देखिए, नॉर्थ को जब हम इसके पास ले जाते हैं तो धारा ऐसे बहती है, अब नॉर्थ को दूर करते हैं तो धारा उल्टा हो जाती है। यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब इसे यहाँ ले जाते हैं तो धारा की दिशा दूसरी होती है, और जब दूर हटाते हैं तो धारा की दिशा दूसरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सापेक्ष गति है, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने 1831 में ये व्याख्या के नाम पे दिया कि धारावाही कुंडली और चुंबक के बीच गति के कारण, आप यहाँ पे सापेक्ष गति लिख सकते हैं, के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे आप समझना चाहें, जैसे ये कुंडली है और ये आपने चुंबक लिया है, तो N और S, इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, बल रेखा होती है। जैसे हम इसको, जैसे जैसे इस क्षेत्र के आगे होता जाएगा, यानी कुंडली दूर हटती जाएगी, बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, घटने लगेगी, है ना। यानी यहाँ का जो फ्लक्स होगा, यहाँ के फ्लक्स से अधिक होगा, यानी phi 1 का मान बड़ा होगा phi 2 से, सॉरी छोटा होगा, है ना। यानी ये परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर उसने कहा कि धारावाही कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, है ना। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, ना चाहते हुए भी होता है, गति होगी आगे पीछे की तो परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रखिएगा, हम दे रहे हैं, सर्वप्रथम कुंडली में जब सापेक्ष गति होती है तो सबसे पहले उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है, सबसे पहले वही बनता है। उसके बाद उन कुंडली के सिरों पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है ना। फिर उसके बाद आपकी प्रेरित धारा आखिरी में बनती है। यानी कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति के करने पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जब होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, संगत कुंडली के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है प्रेरित, उसके बाद उस कुंडली में प्रेरित धारा बनती है। ये समझ में आ गई बात, आप समझ सकते हैं। अगर वैल्यूबल देखा जाए तो अनुपातिक नहीं होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा मान में, ठीक है। अब देखिए, अब लेंज का नियम आप देखिए, इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है इसको, लेंज का नियम, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया हमने क्यों किया है, प्रेरित धारा बनाने के लिए किया है या प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाने के लिए किया है, तो ये जो बनते हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो बनते हैं, इनकी दिशा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या करती है, स्वयं उत्पन्न, यानी जो प्रेरित धारा बनेगी वो तुरंत ही उसका विरोध करने लगेगी जिससे वो बन रही होगी। जैसे अगर इसके आने से यहाँ प्रेरित धारा बनने लगी तो ये कुंडली जो है स्वयं ही चाहेगी कि वो इसके पास ना आए, यानी नॉर्थ, जब जैसे यहाँ नॉर्थ होता है यहाँ भी नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ बनेगा तो प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा। यानी आप ला रहे हैं यहाँ पे, सापेक्ष गति करा रहे हैं, तो कुंडली में धारा जैसे ही बनेगी तो ये कुंडली जो होगी इसको कभी पास नहीं आने देगी। उसी तरह ये है, इसके दूर जाने से अगर धारा बन रही है तो ये सिरा तुरंत ही क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, जिससे वो खींचने की कोशिश करता है। यानी आगे आएगा तो दूर भेजने की, और पीछे जाएगा तो खींचने की कोशिश करेगा, इसी का विरोध करता है, इसी को कहते हैं हम लेंज का नियम, उस कारक का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होती है, और लेंज नियम ये कहता है कि वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध बहुत तेज़ी से करती है, बनने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। क्लियर हो गया आपका। अब एक चीज़ और दे देते हैं छोटा सा, ये इसमें है कि
कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इसमें ऊर्जा क्षय नियम यानी पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कंडीशनल नहीं है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आपको।